हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें इंट्रोडक्शन किए थे डाइपोल से और डाइपोल मोमेंट से, उसका वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिए। और उसके बाद अगर देख चुके हैं तब ये क्लास कंटिन्यू करिए, और नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, किसी भी अलग अलग पोजीशन पर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन दो मेथड हम लोग स्पेशली रूप से पढ़ते हैं। दो मेथड क्या होगा, उसको कैसे हम लोग अंडरस्टूड करेंगे, कैसे समझेंगे इसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, किसी भी डाइपोल के, किसी भी डाइपोल के एक्सिस पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो डाइपोल का एक्सिस किसको बोलते हैं, डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में समझना है। तो डाइपोल का एक्सिस जैसे ध्यान से समझिए, ये आपका कोई डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव चार्ज है और उसका ये है हमारा निगेटिव चार्ज। आपको याद होगा एक्सिस किसको बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ज्वाइन किया जा रहा है दोनों चार्ज को, उन दोनों लाइन मतलब उसी लाइन के एलोंग वाला जो डायरेक्शन होता है, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। और देखिए, इसका जो बीच वाला जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इन दोनों लोकेशन के बीच वाला जो पॉइंट होगा, बीच वाला जो पोजीशन होगा, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल के नाम से जानते हैं। अभी ये सेंटर से देखेंगे तो इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर प्लेन एक ड्रॉ किया जाता है। ये परपेंडिकुलर प्लेन आप लोग जो देख रहे हैं, ये प्लेन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जैसे देखिए, इसका जितना सारा फेस है, जितना सारा फेस है वो इस पर परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। जैसे समझिए कि सपोज करिए ये डाइपोल है हमारा, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड निगेटिव चार्ज है। तो बीच में ये जो ये समझ सपोज करना है कि ये हमारा कोई परपेंडिकुलर प्लेन है। तो इस प्रकार से अगर होल्ड है, ये जो देख रहा है मेरा हैंड जो है इसके बीचों बीच, इसका जो सेंटर है, सेंटर पर परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, सेंटर पर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनाएंगे, उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेन है इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, क्या होता है, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल एंड व्हाट, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और जो सेंटर से पास करे, उस प्रकार के प्लेन को इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन के नाम से जानेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पर निकालें, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा और इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये एक सिंपल मेथड से निकालेंगे। एक दूसरा मेथड भी है, लेकिन पहले हम लोग इस मेथड के पढ़ेंगे और उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसको पॉज करके इस चीज़ को लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पे, एक्सिस पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, जिसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। आई रिपीट, एक्सिस का कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इक्वेटोरियल इक्वल प्लेन वाले पॉइंट पर। तो उस एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी भी डाइपोल के कारण।
तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग एक्सिस एक्सियल पॉइंट के लिए निकालते हैं, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, नंबर वन फॉर एनी एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और सेकंड में फॉर एनी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पे फॉर एनी एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग फाइंड नहीं करना चाहेंगे, हम लोग एक्सियल पॉइंट पर फाइंड करना चाहेंगे। एक्सियल पॉइंट पर कैसे होगा, एक्सियल पॉइंट क्या होता है, तो हम इसको हटा देते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा कोई डाइपोल है, इसका ये चार्ज है प्लस क्यू। आप लोग को याद है कि डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो डाइपोल या तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 2L, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। अभी यहाँ पे ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस, ये जो लाइन दिख रहा है इसी लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और ये है उसका सेंटर, और उसके सेंटर को बोल देते हैं O, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम लोग मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है एक्सिस पर जिसका सेंटर से डिस्टेंस है R। तो आप लोग बताइए कि ये माइनस क्यू से यहाँ तक का चार्ज कितना होगा, जैसे देखिए सॉरी लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा टोटल R, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा L, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है R, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना होगा, तो वो हो जाएगा R प्लस L। मतलब जो पॉइंट P है, पॉइंट P हमारा नेगेटिव चार्ज से R माइनस L डिस्टेंस पर है, और पॉइंट P जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज से R प्लस L डिस्टेंस पर है। ये अगर नेगेटिव इधर रहता तो हमारा वो अलग होता, पॉजिटिव इधर रहता तो हमारा ये R माइनस L पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ, खैर वो मैटर नहीं करता है कि पॉजिटिव के साथ है या नेगेटिव के साथ है, हम लोग केवल ये ध्यान देंगे कि हमारा जो पॉइंट है पॉइंट इसके साथ मतलब सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो एक चार्ज से हमारा R माइनस L और दूसरे चार्ज से हमारा R प्लस L डिस्टेंस पर है। तो ये जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर कंसिडर किए हैं इसको लिख लेते हैं, क्या क्या लिए हैं, लिए हैं क्या, लेट अस कंसीडर देयर इज अ डाइपोल ऑफ चार्ज, या तो ऑफ डाइपोल मोमेंट लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू टू एल। एक हम लोग डाइपोल लिए हैं जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है Q इंटू टू एल। एनी पॉइंट P इज टेकन ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब यहाँ से एक पॉइंट P लिया जाता है और उसका डिस्टेंस R है,
वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड, और वहीं पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये सब चीज़ प्रोटोकॉल होता है, ये सब लिखना जरूरी है। अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बोर्ड में ये सब चीज़ आप लोग को लिखना जरूरी है। आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये मेरा खुद का लैंग्वेज है, मतलब हम उस प्रकार से लिखते हैं। आप लोग को अगर ये चीज़ एक्सप्लेन करने का कोई दूसरा मेथड पता है तो उस मेथड से आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे, हम लोग लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और ये वाला पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो बी पी इज इक्वल टू कितना होगा, इन गिवन फिगर ए पी इज इक्वल टू होगा आर प्लस एल, और बी पी इज इक्वल टू हमारा होगा आर माइनस एल। आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम इसके द्वारा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है। और वो हम लोग लिख देंगे ई पी पर निकाल रहे हैं ए के कारण, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है, और वो हम लोग लिख देते हैं ई पी बी। आपको याद है कि ऊपर वाला जे कैप होता है डायरेक्शन, इधर वाला आई कैप होता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और के भी होता है जेड एक्सिस के लोग। तो इस डायरेक्शन को हम लोग आई डायरेक्शन मान लिए हैं और इस डायरेक्शन को माइनस आई डायरेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर निकालेंगे ए के कारण, तो कितना होगा के, यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है K Q बाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, R प्लस एल है तो R प्लस एल का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर कितना है, तो यूनिट वेक्टर है आई कैप क्यू लॉग, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई कैप। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ई पी भी लिख देते हैं, और ये होगा के क्यू बाई आर माइनस एल का वैल्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर माइनस एल है, और इसका डायरेक्शन किधर है तो माइनस आई कैप, क्योंकि ये पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ चार्ज, दोनों चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो ई पी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ई पी ए और प्लस ई पी बी। अभी हम लोग इसको ऐड सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको इधर ही रेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग पॉइंट पी पर निकालना चाहेंगे तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल टू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद होगा आप लोग को, ई पी ए प्लस ई पी बी। अब ई पी ए का वैल्यू कितना है जी, ई पी ए का वैल्यू है के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर आई कैप प्लस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। तो ये माइनस आई कैप है, यहाँ पे हम माइनस दे देते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया तो माइनस हो जाएगा। अभी जो जैसे कुछ कॉमन है तो आई कैप के क्यू कॉमन है, बच जाएगा क्या, वन बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अभी इसको जोड़ घटाओ करना है तो आप लोग को तो आता है करना, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई, इधर इधर हम चला जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस टू आर एल। प्लस से होता है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो सब जगह माइनस लिख दिया। नीचे वाला का क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, या तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर दोनों पहले निकाल लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर हो गया बाद में। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा आई इंटू टू के क्यू और इंटू टू आर एल इंटू टू आर एल, मतलब माइनस फोर आर एल डिवाइडेड बाई। इसका फार्मूला क्या होगा, ये चाहे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखेंगे कि हमारा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये तो इसका वैल्यू होता है, लेकिन अगर हमारा आर बहुत बड़ा हो जाए एल छोटा हो जाए, ठीक है, फोर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर अगर बहुत बड़ा है एल बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग लगभग लगभग बोल सकते हैं आर स्क्वायर, जी हाँ बोल सकते हैं। तो इसको लिख देंगे आई के क्यू इंटू माइनस टू माइनस फोर आर एल और डिवाइडेड बाई आर आर स्क्वायर और का पावर टू, पावर टू है पहले से तो पावर टू, तो आर स्क्वायर का पावर टू मतलब हमारा हो जाएगा। अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, अलग ठीक है, एक बार पहले ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद के क्यू इंटू फोर आर एल डिवाइडेड बाई आर का पावर फोर इंटू माइनस आई कैप। अब ये आर इसको काट दिया तो ये आर का पावर थ्री चला जाएगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं टू के इंटू क्यू इंटू टू एल डिवाइडेड बाई आर क्यू माइनस आई कैप। तो टू के, तो टू के हमारा रह गया, लेकिन q इंटू ट्वेल्व किसको बोलते हैं, तो q इंटू ट्वेल्व हम लोग बोलते हैं, याद है, तो q इंटू ट्वेल्व हम लोग बोलते हैं p को और डिवाइडेड बाय आर क्यू, टू के पी बाई आर क्यू और माइनस आई कैप। माइनस आई कैप किस डायरेक्शन की अलॉन्ग है, तो माइनस आई कैप है डायरेक्शन अलॉन्ग बी ओ, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है हमारा रियल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, या तो डाइपोल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब E इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, K का वैल्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और टू पी बाई आर क्यू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के डायरेक्शन के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जाएंगे, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा होगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाई आर क्यू, बहुत ही आसानी तरीके से। अभी एक्सियल पॉइंट पर तो हम लोग निकाल लिए हैं, और डायरेक्शन किधर होगा, एक्सियल पॉइंट पर अगर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उसका डायरेक्शन होगा जिधर डाइपोल का डायरेक्शन है, डाइपोल का डायरेक्शन मतलब निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ।
तो अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन तो हम लोग बना लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, खैर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। ये है प्लस क्यू, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं क्योंकि और भी कुछ कुछ काम करना है हमको। ये है प्लस क्यू और ये है हमारा माइनस क्यू। अभी यहाँ पे ये उसका सेंटर है ओ, और इस सेंटर से परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसी को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस है आर, और आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर प्लेन पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और इसी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस डाइपोल का जो लेंथ होता है वो 2L है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा L, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा L। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर निकालना चाहेंगे तो ये L है, ये R है, तो ये होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसका रूट ओवर। उसी प्रकार से यहाँ तक का लेंथ हम लोग निकालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा उसी प्रकार से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका रूट ओवर। ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ई इस डायरेक्शन में, और निगेटिव फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ई नीचे के डायरेक्शन में। अब ई पी ए और ये ई पी बी, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि चार्ज का वैल्यू बराबर है, सेपरेशन का वैल्यू बराबर है, यहाँ पर भी चार्ज की सेपरेशन ये ही है। तो ये ई का वैल्यू हमारा दोनों साइड बराबर है, मतलब ई पी ए का जो वैल्यू है मतलब मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू हमारा कितना होगा बराबर है, हम लोग उसको ई मान लेंगे। दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा क्योंकि चार्ज इक्वल है और सेपरेशन भी इक्वल इक्वल है। ई का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। आप लोग को याद होगा एक थोड़ा सा चीज़ हम बताते हैं कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल इक्वल है, ध्यान से समझिएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है 2a cos थीटा वेक्टर, याद है। और जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है मतलब अल्फा, अल्फा इधर से जाएगा ये रिजल्टेंट, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है थीटा बाय टू। तो इस चीज़ को आप केवल ध्यान में रखेंगे, ये वेक्टर का प्रॉपर्टी है, आप लोग 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ चुके हैं। ऐसे हम वेक्टर के रिलेटेड भी वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग वेक्टर का एडिशन जो है वहाँ पर जा करके ये चीज़ देख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो ध्यान से रखना है कि अगर दो वेक्टर इक्वल है तो हम लोग इस फॉर्मूला से 2a cos थीटा बाय 2 से ऐड कर सकते हैं, और अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन थीटा बाय 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है हमारा इसमें कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, लिख देते हैं लेट अस कंसीडर जो प्रोटोकॉल है द डाइपोल of dipole moment, एक dipole लेते हैं जिसका dipole moment है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L और यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है, यूनिट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ का डायरेक्शन है। एनी पॉइंट P इज टेकन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, कोई पॉइंट P लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सेंटर ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है वो है हमारा R। देयरफोर हम लोग अगर लिखना चाहें ये A है और ये B है तो AB इज इक्वल टू निकालेंगे, और सॉरी AOP
निकालें या तो बीपी निकालें, तो एपी निकालें या तो बीपी निकालें, हमारा होगा कितना एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, उसका स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो ई पी ए हम वेक्टर का साइन ले रहे हैं क्योंकि हमको इस तरीके से निकालना होता है, हम वेक्टर के तरफ से भी करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी उतना ही आसान है जितना ये आसान है, लेकिन ये तरीका से हम बना रहे हैं, आप उस तरीका से बनाने की कोशिश करिएगा यूनिट वेक्टर और रिजॉल्व करके उसको बनाने का। हम डायरेक्ट, हमारा ये दोनों इक्वल इक्वल है इसीलिए ये मेथड पर ये वैल्यू पुट करेंगे आराम से हमारा बिल्कुल निकल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर हमारा ये इक्वल इक्वल नहीं होता तो हम लोग यूनिट वेक्टर से इसको रिजॉल्व करते, रिजॉल्व करके इसको ऐड करते। तो देखिए ई पी ए का वैल्यू कितना होगा, केवल मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, तो ई पी ए का वैल्यू होगा 1/4 pi epsilon naught और q बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। और उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें एट पॉइंट p ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के कारण निकालना चाहेंगे तो ई पी बी, पी पर निकालना है बी के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब है कि हमारा मैग्नीट्यूड उतना ही है, माइनस नहीं है, माइनस चार्ज है तो माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस चार्ज है मतलब डायरेक्शन इनवर्ड है, तो हम लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अभी अब हमको इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको बीच का एंगल जानना जरूरी है। मान लेते हैं ये टोटल एंगल है 2θ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है थीटा, देखिए ये हमारा 2θ है, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है 2θ, तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल हो जाएगा हम लोग ले लेते हैं 180° - 2θ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ऐसे 2θ इसको मानेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग 2θ इसको मानते हैं, ध्यान से समझिए 2θ इसको मान लेते हैं, ये हमारा 2θ, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 180° - 2θ पूरा, ये 2θ, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180° - 2θ, तो ये एंगल कितना होगा 180° - 2θ का आधा, तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 90° - θ, तो ये एंगल 90° - θ, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है। ये हमारा 2θ, ये थीटा और ये 90° - θ, और इधर वाला भी हमारा ये हो जाएगा कितना 90° - θ। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारा cos θ/2 मतलब cos 2θ/2 मतलब cos θ चाहिए, तो cos θ का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बताइए आप लोग, तो cos θ इजिकल टू क्या होता है, तो cos θ इजिकल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है l और हाइपोटेनस कितना है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसका रूट ओवर। इस चीज़ का ध्यान रखना है, cos θ का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, तो cos θ का वैल्यू हमारा आएगा, ये बेस हमारा l और हाइपोटेनस है ये, तो l डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर। अब यहाँ पे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो ई इज इक्वल टू हम लिखेंगे ई पी ए या तो पी बी और कॉस 2θ/2, 2 इंटू ई पी ए इंटू कॉस 2θ/2, क्योंकि 2a cos θ/2 होता है, तो 2 ई पी ए cos 2θ/2, ये 2 कट गया, तो हमारा बचेगा क्या, E इज इक्वल टू 2 ई पी ए, ध्यान दीजिए ई पी ए और ई पी बी दोनों बराबर है, ठीक है,
दोनों इक्वल इक्वल है, तो ई पी ए और कॉस थीटा। अभी हम लोग इसको देखेंगे, तो ई इज इक्वल टू टू इंटू ई पी ए का वैल्यू कितना है, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका रूट ओवर। और एक चीज़ छोड़ दिए थे हम बार बार, स्क्वायर यहाँ पे लिखना छोड़ दिए थे, तो स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इनटू कॉस्ट, कॉस्ट थीटा का वैल्यू कितना है, तो कॉस्ट थीटा का वैल्यू है एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका रूट ओवर, एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। अभी हम क्या करते हैं ना, इसको ठीक है लिख सकते हैं आप, ठीक है मिटाने का जरूरत नहीं है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी क्यू टू एल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू टू एल और डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर है ना हमारा और ये रूट है, ये कट जाएगा और ये इसका पावर वन बाई टू है। जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, आप लोग पॉज करके सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका पावर थ्री बाई टू। अब अगर हम लोग ले लेते हैं फॉर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर अगर बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो वैल्यू है हम लोग आर स्क्वायर के बराबर लेंगे। तो अगर वो आर स्क्वायर के बराबर ले लेंगे, अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसको जस्ट ऐसे ही यहाँ से मिटा दिए, इरेज कर दिए। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिखेंगे, तो आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, तो वन बाई टू कट जाएगा, तो केवल आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू हमारा आर क्यू बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू टू एल का वैल्यू कितना होता है, तो क्यू इंटू टू एल का वैल्यू होता है पी, तो पी डिवाइडेड बाई और यहाँ पे क्या लिखेंगे आर क्यू। और डायरेक्शन किधर होगा इसका, डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए डायरेक्शन बीचों बीच जाएगा, ई पी और ई पी बी के बीचों बीच इधर, तो ये डायरेक्शन किधर होगा, ये पूरा टू थीटा है तो यहाँ से एंगल बनेगा थीटा, तो ये जो थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल ये बनेगा, मतलब इधर जो डायरेक्शन है उधर भी ये भी डायरेक्शन होगा। जैसे समझिए ये इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना थीटा, तो ये दोनों एंगल थीटा हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इक्वल हो गया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल, तो जो डायरेक्शन ए से बी के तरफ है वही डायरेक्शन ई का होगा। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टेड अलोंग ये ए से बी तक का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, डाइपोल का डायरेक्शन है, तो डाइपोल का अपोजिट डायरेक्शन, तो ए है हमारा ए पर पॉजिटिव चार्ज, बी पर है हमारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन तो डायपोल का डायरेक्शन नहीं होता है, डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो डायरेक्टेड अलोंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल और डाइपोल मोमेंट, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ब्रॉड साइड पोजीशन पर और साइड टू साइड पोजीशन पर, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी भी पॉइंट पर और एक्सियल पॉइंट पर। तो इसको हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं एक अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, पहला नंबर वन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में नंबर वन में हम लोग क्या लिखेंगे, एट एनी एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पर क्या था, तो एक्सियल पॉइंट पर था इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और टू पी बाई आर क्यू अलोंग द
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल का डायरेक्शन होता है। एक्सियल पॉइंट को हम लोग साइड टू साइड पोजीशन भी बोलते हैं। तो साइड टू साइड पोजीशन पर हमारा ये होगा। और दूसरा, एट एनी इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, तो वहां पे हम लोग अभी अभी निकाले कितना आया है हमारा, 1/4πε0 और P/r³। और ये क्या कैसे है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट। इस पोजीशन को हम लोग ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है आप लोग को, आप लोग से अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण जो होता है रेडियस के, मतलब जो सेपरेशन है उसके क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इक्वेटोरियल प्लेन पर डायरेक्शन उल्टा और एक्सियल प्लेन पर डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इक्वेटोरियल प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका दुगना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल प्लेन, एक्सियल पॉइंट पर, अगर आर का वैल्यू सेम है तब, मतलब आर का वैल्यू सेम है यहाँ पे, अगर इतना ही दूरी पर आर रखा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया 5, सपोज करिए 5 m/c इसके कारण से, तो इतना ही दूर पर अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर जाएंगे तो ये डबल होता है, ये हाफ होता है, ये 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डाइपोल के कारण हमारा 2.5 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो डबल कर देंगे, और यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ निकालेंगे हाफ कर देंगे। डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन इधर डाइपोल के डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको देखिए, नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल के कारण, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर और किसी आर्बिट्री पॉइंट पर। और उसके बाद एक दूसरा मेथड बताएंगे हम आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं सिंपली तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।